भैया का एक वो डायलॉग भी फेमस हुआ था कि अब की बार मेरठ में 24 बेस लगाएंगे, वो मेरठ में 24 बेस लगाएंगे और खुला चैलेंज है। माइकिंग करी थी आपने, तो वो मतलब कहाँ से सीखते हो या आप नेचुरली वो है? देखो, ये जो कमेंट में डालते हैं कि ओपन चैलेंज है, ये है, ये इन्होंने अभी कुएं से निकल के नहीं देखा, अभी ये कुएं के अंदर है, वो बरसाती मेंढक जो होता है ना। और पब्लिक का सबसे मेन क्वेश्चन कि आपकी और पिंटू भैया की दोस्ती मतलब कैसे हुई थी? तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग, मेरा नाम है तुषार और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल आरके डीजे तूफान। दोस्तों काफी दिनों से आप लोगों की जो है डिमांड आ रही थी, भाई आरुष खटाना डीजे का इंटरव्यू लो। अभी हमने पहले जो मतलब पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, इंटरव्यू लिया था, उस टाइम पर अपने अशोक भैया जो डीजे के ओनर है वो नहीं थे, और गौरव भाई थे जो ऑपरेट वगैरह करते हैं, जो डीजे के मेंबर है वो थे, उन्हीं से बात करी थी। तो आज भाई डीजे के मतलब जो ओनर है अपने अशोक भैया, जो माइकिंग भी करते हैं आप लोग जानते होंगे, तो सब कुछ पूछेंगे कि कैसे डीजे स्टार्ट किया था, कब स्टार्ट किया था। और जी जैसे कि मतलब आप लोगों को पता नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ भाई, ये जो डीजे है ना आरुष खटाना डीजे, हमारे जिला अमरोहा का सबसे पहले मतलब टाटा बनी थी हमारे जिला अमरोहा में। तो सब कुछ पूछेंगे कि कितनी बजे से साउंड टेस्टिंग भी सुनाएंगे इस वीडियो में आप लोगों को। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, चैनल बने हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो सबसे पहले भाई मिलते हैं जो डीजे के ओनर है, डीजे के मेंबर है, सभी भाइयों से मिलते हैं, तो आओ चलते हैं। तो सबसे पहले मिली अपने मोनू भाई से। मोनू भाई को आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा होगा, मैंने बताया था, वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप लोग जाके देख लेना। तो मोनू भाई क्या हाल है सबसे पहले? बस बढ़िया भैया, राम राम सभी को। और अपने बारे में कुछ बता दो, वैसे तो पहले मैंने बहुत काफी बता दिया था। अरे पता है घर पब्लिक को, और बाकी हमारा अशोक भैया बताएंगे। चलो पहले अशोक भैया से बात करते हैं, जो डीजे के ओनर है भाई, आप लोगों की काफी ज्यादा डिमांड थी क्योंकि पिछली बार जो है वीडियो बनी तो थी लेकिन उस टाइम पर मतलब भैया नहीं थे यहाँ पर, तो उस वजह से उनसे बात नहीं हो पाई थी। तो अशोक भैया क्या हाल है? सभी को राम राम भैया, कैसे हो सब लोग? आशा करता हूँ अच्छे हो गए, आप लोगों से मुलाकात नहीं हुई। तो सार को बुलवाया था कि भैया हमारा भी इंटरव्यू ले लिए एक बार। अरे भैया के कहने पे तो जरूर आएंगे यार, मैं था नहीं यहाँ पे। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों का स्वागत है, पहले यहाँ पे हमारे घर पे आए हो आप लोग दिल से, क्योंकि देखो काफी ज्यादा मतलब पब्लिक की डिमांड आ रही थी कि डीजे का इंटरव्यू लो। पहले मैंने लिया था, गौरव भाई से बात हुई थी लेकिन आप यहाँ पर नहीं थे उस टाइम पर। तो आज इस वीडियो में मतलब हम लोग बात करेंगे कि डीजे कैसे स्टार्ट किया था और सब कुछ, वो छोटे छोटे क्वेश्चन जो पब्लिक के रहते हैं तो हाँ सब कुछ बैठ के बात करेंगे। पहले मिलते हैं भाई गौरव भाई से, गौरव भाई को आप लोग जानते होंगे पहली वीडियो में। तो क्या हाल है गौरव भाई? राम राम भाई। और पहले बता दो काम वाम कैसे चल रहा है? काम वाम भैया बढ़िया चल रहा है इस टाइम, और बढ़िया ही चलेगा आए को भी। चलो हाँ। तो बाकी चलते हैं फिर, सब कुछ आप लोगों के जो क्वेश्चन है वो कवर करते हैं एक से एक लेकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, तो बात करते हैं अपने अशोक भैया से। तो भैया पहले तो अपने बारे में थोड़ा कुछ बताइए जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं। भाई हमारे बारे में है, हमारा नाम तो अशोक है लेकिन जो डीजे हमारा है ये हमारे भतीजे के नाम से चलता, आरुष खटाना के नाम से। और ये हमारा जो एड्रेस है ये पड़ता है बछराइयों, थाना बछराइयों, तहसील धनोरा, जिला अमरोहा। जिला अमरोहा में हमारा गांव पड़ता है एक छोटा सा, यहाँ के हम रहने वाले हैं और यहाँ का ही हमारा ये डीजे है। और ये हमारे एक गाड़ी के मालिक ये हैं, एक गाड़ी के मालिक ये हैं, मतलब मालिक ही है भैया, मतलब सभी डीजे अपने भाईचारा है, सब मेंबर भाईचारा क्या है, यही चला मैं, यही है मालिक, मैं तो सिर्फ, मेरा तो नाम ही नाम है, मुझे तो लोग बाग जानते भी ना, मैं तो आर के तूफान पर रहूं ज्यादातर। देखो मतलब लोग जानते थे कि आपका नाम अशोक है और गाड़ी का नाम है आरुष गुज्जर, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे लोग कि मतलब गाड़ी और ओनर है कौन, ये मतलब नाम इनका है और गाड़ी का नाम आरुष गुज्जर है। गाड़ी जो मेरे भतीजे के नाम से है, मेरा भतीजा है आरुष, उसके नाम से है। और कामर का मेला हो या वैसे भी लोग बाग मुझे आर के तूफान के नाम से जानते हैं, क्योंकि मैं ज्यादातर आर के तूफान पे ही रहता हूँ। अमर में जब भी हमारा कोई कंपटीशन होता है तो मैं ज्यादातर आपको आर के तूफान वाली गाड़ी पे मिलूंगा, और आप तो वीडियो कवर करते हो। भैया का एक वो डायलॉग भी फेमस हुआ था कि अब की बार मेरठ में 24 बेस लगाएंगे, वो मेरठ में 24 बेस लगाएंगे और खुला चैलेंज है जिससे प्रेशर कट जा गाड़ी छोड़। बहुत वायरल हुई थी, मैंने वो वीडियो करी थी, बुक आ रही थी मेरठ की, अभी वो क्लियर नहीं हो पा रही है। तो 24 बेस लगाए या 30 बेस लगाए वो तो समय बताएगा। हम किसी को चैलेंज नहीं देते कि हम चैलेंज देकर आ रहे हैं, लेकिन हाँ इतना जरूर करेंगे अगर कोई सामने वाला चैलेंज दे रहा है तो उस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे। बाकी सबसे पहले जिला अमरोही में हमने 2016-17 में सबसे पहले टाटा बनाई थी। हाँ हाँ, जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था भाई, जिला अमरोहा की सबसे पहली टाटा थी, उस टाइम पर लोग जानते भी नहीं थे भाई डीजे
टाटा में भी रहता या कैसे स्टैंडिंग में रहता था उस टाइम पे? ज्यादातर लोगों का बाहर नोएडा, नोएडा साइड में, रिस्तल साइड में, इधर टाटा थी। हाँ, तो मैं उधर ही रहता था, तो मैंने देखा उधर टाटा है, तो मैंने सोचा एक बार मैं भी ऐसा सोचूं। तो मैंने टाटा बनाई थी 2016-17 में शायद बनाई थी, तब से हमारा टाटा का काम है। काफी एक्सपीरियंस है डीजे के बारे में, डीजे लाइन के बारे में। अच्छा, तो मतलब पहले जब टाटा बनाई थी उस टाइम पे भी सेम नाम ही था डीजे का या हाँ, कुछ और नाम से बनाई थी? एक ही नाम चल रहा है हमारा, हमने एक ही आरुष कटारा के नाम से ही शुरू में टाटा बनाई थी और वही नाम हमारा चल रहा है तभी से। अच्छा, ना मतलब पहले गाड़ी पे पेंट अलग था थोड़ा, मैंने देखी थी। पेंट चेंज कराते रहते हैं, जैसे मान के चलो भाई अब समय चेंज हो जाता है, आदमी कपड़े चेंज करता रहता है। वो तो है, तो पहले, लेकिन पहले सादे कपड़े पहनता अभी जो था है, और अभी जो है लोग पेंट से भी बहुत ज्यादा जानने लगे, क्योंकि काफी लोगों ने कॉपी भी कराया पेंट का, ऐसा मैंने काफी गाड़ी देखी है। कोई नहीं, कॉपी तो लोग करते ही आते हैं। हाँ, ये तो है, लेकिन ये है कि अब जो है मतलब पहचान बनने लगी है इस नाम से, तो आगे मतलब चेंज करने का प्लान है या इसी नाम से चलेगा? नहीं, अभी अभी ऐसा कुछ नहीं है। हमारे ये जो लड़के हैं जो चलाते हैं, ये एक गाड़ी का मालिक यू है, एक गाड़ी का मालिक इधर बैठा हुआ है, गौरव, गौरव भाई अपने, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये इसको चलाएगा या इसको चलाएगा, जोन से के हाथ जोन सी लग जाती है, समय देखता है, वो लेके चले जाते हैं। बाकी हमारे पास जैसे कोई कामर में अगर हमें बुक करना चाहता हो मेरठ से, दिल्ली से, या तुम्हारे मुजफ्फरनगर साइड से, कहीं से भी कोई अगर हमें बुक करना चाहता हो, तो हमारे पास बहुत सामान है। 20 बेस, 24 बेस, 25 बेस तक हम अफोर्ड कर सकते हैं, लगा सकते हैं। बाकी हम किसी को ये नहीं बोलते कि हम ऐसा डीजे बजाएंगे, हम चैलेंज करके आएंगे। हाँ, चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं हम, क्योंकि चैलेंज एक्सेप्ट करने वाला हमेशा जो है, अगर वो हार भी जाएगा तो सामने वाला उसकी वो नहीं करेगा, बुराई नहीं करेगा, क्यों, उसने चैलेंज एक्सेप्ट करा। हाँ, इतना जरूर करें, हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं सामने वाले को बढ़िया से बढ़िया बजा करके दें, अच्छी क्वालिटी दें, अच्छी बेस दें, क्योंकि देखो ये तो एक मशीन गिरी है, इसका मतलब भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन ये है अपने ऊपर एक विश्वास होता है कि हम अच्छी क्वालिटी देंगे, अच्छी वाइब्रेशन देंगे। जैसे आरके तूफान वाले हैं कि कोशिश करते हैं अच्छे से अच्छा देने की, सेम कंडीशन हमारी, हम भी यही कोशिश करते हैं कि हम सामने वाले को अच्छे से अच्छा करके दें, और अगर कुछ कमी रह जाती है तो हमें तो भाई बढ़िया लगता है। अगर कुछ कमी रह जाती है तो आप लोग अगर हमसे बताओगे भाई ये कमी आपकी बेस कम है या आपकी आवाज कम है या आपकी ट्रेवल कम है, तो उसको हम पूरा करेंगे। क्योंकि कोई भी डीजे वाला हो, हम ये नहीं करें हम स्पेशल है, कोई भी डीजे वाला हो, सब अपनी तरफ से कोशिश करते हैं अच्छे से अच्छा करने की। अगर कुछ कमी होगी तो वो जनता बताएगी या आप लोग देख के बताओगे कि ये कमी है, उसको पूरा करेंगे हम लोग। और ऐसा भी सीन रहता है कि जैसे मान लो बुकिंग हुई, वहां पर और भी डीजे हैं, कॉम्पिटिशन भले ही ना हो या गाड़ी हार भी जाए, लेकिन एक चीज रहती है कि वहां पर सीखने को बहुत मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, हम अपनी गाड़ी को जब बजते हुए देखते हैं और भी गाड़ियों को बजते हुए देखते हैं, अगर हमें कुछ लगता है कि हमारी गाड़ी में ये चीज कम है, हम उस पर फोकस काम करते हैं, फिर आगे उस पर फोकस करते हैं कि भाई अगर हमें लगता है हमारी गाड़ी में औरों के मुकाबले बेस कम है, तो हम बेस पर फोकस करते हैं। हमें लगता है हमारी गाड़ी में ट्रेवल या मिड में कमी है, तो हम उस पर फोकस करते हैं। हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि जो हमें बुक कर रहा है, हम उसे बढ़िया से बढ़िया अच्छे से अच्छा दें, ताकि वो हमें आगे के लिए भी बुक करें। अच्छा, अभी बात कर लेते हैं, जैसे कि अभी काफी ज्यादा यात्रा आने वाली है, अभी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है और उसके बाद रामनवमी, तो अपनी अम्बेडकर जयंती पर कहाँ से बुक हुई है गाड़ी? ये मुरादाबाद में है हमारी, मुरादाबाद से कुछ पहले पड़ता है, 5-7 किलोमीटर, कौन सा गाँव है ध्यान नहीं आ रहा अभी, वो बुक हो चुकी है। वहीं अपना आरके तूफान है, 5 किलोमीटर की रेंज में, दोनों गाड़ी हमारी उधर ही जाएंगी। वो हमारे मित्र हैं, घनिष्ठ मित्र हैं आरके तूफान वाले, पिंटू भाई, शायद उन लोग उनको भी कोई नहीं देखा, लोगों ने नहीं देखा उसमें वीडियो वगैरह में। देखो भैया आएंगे एक साथ, हम लोग आएंगे जल्दी, जल्दी एक साथ आएंगे, बट थोड़ा काम वगैरह लग रहा ना, तो उसमें लगे हुए हैं, अभी लगे हुए हैं फिलहाल। मैंने वीडियो भी डाली थी कि सामान बन रहा था काफी ज्यादा। बुकों की बात आती है, बुक काफी है हमारे पास, काफी बुक मिलती है आप लोगों के सहयोग से, और अंबेडकर जयंती की भी बुक हम लोगों को मिली है, जो वहाँ के भाई लोग हैं उन्होंने, जिन्होंने बुक किया है। अच्छा, जो अंबेडकर जयंती में गाड़ी जाएगी तो उसमें कितना माल जाएगा? खाली गाड़ी गाड़ी जाएगी? हाँ, अंदर अंदर का माल है, एक दो आइस के फट्टा वैसे लग जाएंगे। हाँ, मतलब फिलहाल तो गाड़ी जाएगी बाहर। हाँ, फिलहाल बाहर कोई माल नहीं लगेगा। और जैसे अभी मतलब बालाजी यात्रा है मुजफ्फरनगर में, तो उसके लिए बुकिंग ले सकते हैं या पहले से कुछ बुक के लिए फोन आया था हमारे पास, हमारी गाड़ी ऑलरेडी शादी ब्याह के लिए बुक है, तो उसके लिए हमने उनसे बोल दिया भाई हम मजबूर हैं। हाँ, नहीं, वो चीज़ नहीं तो है, क्योंकि पहले जब बुकिंग ले ली तो दूसरे कैंसिल भी नहीं करते। हम सबसे बड़ी बात हमारे अंदर यही है, अगर हम किसी की शादी ब्याह की बुक ले लेते हैं तो फिर चाहे हमें कोई कितनी मोटी बुक दे, फिर हम कैंसिल नहीं करते, हम पैसे का मुंह नहीं देखते। वो चीज एक भरोसे वाली बात है कि हाँ भाई, जब सामने वाले ने बुक कर लिया, भले ही कम पैसों में बुक हुई हो, लेकिन एक भरोसा होता है कि उसकी बुकिंग कैंसिल नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल, सामने वाला हमारे भरोसे बैठा है, तो हम ये सोचते हैं
कि अगर वो सामने वाला ज्यादा पैसे देने की कोशिश कर रहा है, हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ हमारा नाम चाहिए, हमें सिर्फ हमारा नाम चाहिए। क्योंकि पैसा तो देखो आपको भी पता हमें भी पता, पैसा तो हम फिर भी कमा लेंगे, लेकिन सामने वाला भरोसे बैठा हुआ है तो हम दूसरे का काम खराब नहीं कर सकते। और पब्लिक का सबसे मेन क्वेश्चन कि आपकी और पिंटू भैया की दोस्ती मतलब कैसे हुई थी, क्योंकि आप हो गुजर और हम हैं सैनी, तो एक रिश्तेदारी वाली बात तो नहीं हो सकती, तो वो दोस्ती कैसे हुई थी वो पब्लिक बहुत ज्यादा मतलब क्वेश्चन आते हैं। मैं बता देता हूँ एक्चुअल में क्या है, जब मैंने गाड़ी बनाई थी शुरू में, तो मैं जो आरके तूफान वाले भैया हैं मिस्टर पिंटू, मैं उनको नहीं जानता था। एक दिन हम लोग धनोरे में बैठे हुए थे, एक डीजे वाले भाई हैं आरिफ साउंड सर्विस साउंड सिस्टम है धनोरे का, उनके यहाँ बैठे हुए थे, उन्होंने हमारी मुलाकात कराई थी। तो तभी हमारे एक दूसरे के पास नंबर चले गए थे, एक्सचेंज हो गए थे, तभी से हम लोगों में बात होनी शुरू हो गई थी। तो वो हमसे कुछ घुल मिल गए, कुछ हम उनसे घुल मिल गए। अब दोस्ती इस कदर पहुंच गई है कि अगर वो कोई काम करते हैं तो वो बिना हमारे पूछे कोई काम नहीं करते, हम भी अगर कोई काम करते हैं वो हम उनके बिना पूछे कोई काम नहीं करते। मतलब ये मान के चलेगा अगर हम कोई भी प्लॉट, अभी उन्होंने एक प्लॉट लिया है तो उन्होंने शायद अपने भाइयों को दिखाया, पिताजी को दिखाया, नहीं दिखाया मुझे नहीं पता, वो उन्होंने एक बार मुझे दिखाया ले जा करके, क्या सुख भाई एक प्लॉट है मैं इसको ले रहा हूँ कैसा रहेगा, तो मैंने देखा, मैंने कहा बहुत बढ़िया है, आगे फ्यूचर के लिए बच्चों के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो हम मतलब ये समझ के चलेगा बहुत घनिष्ठ याराना है, बहुत ज्यादा घनिष्ठ याराना है। तो अब चलिए पहले बात कर लेते हैं, जो मतलब आप लोग क्वेश्चन रहते हैं कि अशोक भैया मतलब सामान बना के दे भी सकते हैं या फिर गाड़ी मतलब बुकिंग वगैरह के लिए सकते हैं। तो भैया जैसे मान लो कोई सामान बनवाना चाहता है, कैबिनेट या बेस या कंप्लीट पूरी गाड़ी, तो वो अफोर्ड करा सकते हैं या फिर नहीं? देखो हम सीधी सीधी बात बताएं, मैं इस चक्कर में नहीं पड़ता हूँ, क्योंकि मेरा जो भी सामान आता है, जो भी हमारा छोटा मोटा काम होता है, हम आरके तूफान वालों के द्वारा ही अपना बनाते हैं। और एक डीजे वाला है नोएडा का, पहले उससे लेते थे हम, लेकिन अब उससे नहीं लेते, हम आरके तूफान वालों से ही लेते हैं जब से उनसे मिले हैं। तो दूसरी बात यह है कि अगर किसी को बनवाना है तो हमसे संपर्क करेगा तो तब भी हमें पहुंच जाएगा जहां पर उनको जाना है। हाँ, बाकी किसी को सामान चाहिए, लाइट चाहिए, कैबिनेट, कॉलम, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम खुद बना के दें या हम उनसे बनवा करके दें, बात एक ही है। लेकिन अफोर्ड करवा सकते हैं मतलब बनवा देंगे? हाँ बिल्कुल बनवा देंगे, बिल्कुल बनवा देंगे, ये समझ के चलिए। ऐसा होता है कि कुछ कमी नजर आती है कि नहीं हमें तो ये पसंद आ रही है, नहीं हमें वो पसंद आ रही है। कुछ लोगों का अगर मान लो ये पसंद है तो सेम क्वालिटी सेम बेस हम यही गाड़ी की सेम देंगे एकदम, क्योंकि थोड़ा बहुत डिफरेंस हर गाड़ी में रहता है। उस टाइम पहले आपने गाड़ी बना के दी थी तरुण गुज्जर के नाम से, तो सेम पेंट से मतलब सेम गाड़ी है वो, सेम पेंट है, सेम गाड़ी। बहुत लोगों ने बहुत गाड़ी बनाई है, बात आती है, बहुत लोगों ने बहुत गाड़ी बनाई है और गाड़ी बना करके बेची है, तो बहुत शिकायत आती है। एक गाड़ी हमने बना के दी थी तरुण गुज्जर के नाम से चौकुनी में, उसमें कोई शिकायत नहीं है और उस गाड़ी ने नाम भी बहुत अच्छा कमाया है, जो बात ईमानदारी की है। बहुत ही कम समय में बहुत ही तगड़ा नाम कमाया उस गाड़ी ने, और क्योंकि हम जो है ना, हम सामने वाले को जो चीज उसको चाहिए हम उसको वही देने की कोशिश करते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं सामने वाले को, अगर सामने वाला पैसा खर्च कर रहा है उसको सामने वाले को क्वालिटी मिले, सामान मिले। दूसरी बात, अगर कोई भी आदमी जैसे हमसे संपर्क करना चाहता हो तो हमारा नंबर है 7252 80 80 81। अगर किसी को हमसे संपर्क करना चाहता हो माल के लिए, बुकिंग के लिए, किसी भी चीज़ के लिए अगर हमसे कोई संपर्क करना चाहता हो तो हमारा नंबर है 7252 80 80 81। हाँ, बाकी मैं नंबर आप लोगों को स्क्रीन पर भी, वीडियो चल रही होगी ना, मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी नंबर आप लोगों को दे देंगे। और जैसे मान लो अगर कोई आप लोगों को इंस्टाग्राम पर फॉलो वगैरह करना चाहे तो किस नाम से आपकी आईडी है वो भी बता दीजिए। इंस्टाग्राम पर आईडी बता भाई, बोलो। मेरी है आरुष गुज्जर के नाम से, आरुष गुजर के नाम से है। और अपने गौरव भाई भी है, गौरव भाई भाई मतलब काफी कंट्रोवर्सी में रहते हैं, लाइव वगैरह भी चलती रहती है। तो गौरव भाई ऐसा मतलब क्या रहता है आप लोग, क्योंकि मालिक है भैया ये दोनों। तो भाई देखो आप लोग जैसे बोलते हो ना भाई मतलब नौकर हो या वो चीज, तो भाई वो चीज अभी अशोक भैया ने कन्फर्म कर दी है कि ये कोई नौकर उकर ना भैया, एक मिनट भैया, ये कोई नौकर उकर नहीं है, ये मालिक है दोनों, ये समझ लो। मुझे तो ऊपर चढ़ने भी नहीं था, मुझे तो यू भी नहीं पता कौन से मिक्सर का कितना वॉल्यूम रखा जाएगा, ये अपना आप ही करें। मिक्सर तो निकल, पीछे खड़े होकर बताओ कौन सी चीज कम आ रही है कौन सी ज्यादा आ रही है, उसे हम पूरी करेंगे, तुम बस पीछे खड़े हो जाओ। मुझे तो चढ़ा नहीं ना देते, ना पता मुझे कुछ भी खराब हो सही हो, ना कहो तुम कुछ काम कर रहे हो ना, तो तुम कर लो आराम से बेफिक्र होकर, तुम तो बस जहाँ काम हो वहाँ फोन करके पता कर लो। क्या एक भाई एक इसके नाम पर गाड़ी चल रही है, किसके नाम पर चल रही है, यू पता ना कौन सी को लेकर चला जाए। सावन की बुकिंग के बारे में बात करते हैं, जो कि आप लोगों की डिमांड रहती है बुकिंग करने की, तो पहले भैया से बात करते हैं कि बुकिंग हो गई है
या अभी खाली है जो उनसे भी सावन आप लोगों को करनी है। तो भैया पहले बता दीजिए कि गाड़ी की बुकिंग हो गई है सावन के लिए या कोई से सोमवार जो खाली है? सावन की बुकिंग है, एक गाड़ी हमारी ये वाली 2 मार्च को बुक हो चुकी है, ये वाली दो, ये वाली है पता नहीं कौन सी जाएगी। एक गाड़ी तो हमारी सावन की बुक हो चुकी है, ये धनोरे में पत्थरकुटी पड़ती है, वहां से बुक हो गई है हरिद्वार के लिए। और एक गाड़ी हमारी जो पहला सोमवार होता है वो मुरादाबाद से बुक रहती है परमानेंट, तो एक उधर जाएगी। अब ये मैं नहीं कह सकता कौन सी कहाँ जाएगी, ये मौका देखा जाएगा। दोनों गाड़ी जो है सेम क्वालिटी की है, तो कोई सी भी कहीं भी जा सकती है, और सेम पेंट की है, तो भाई वो तो कोई दिक्कत वाली बात मतलब नहीं। ऐसा नहीं है कि इसमें बेस ज्यादा है या उसमें बेस ज्यादा है, दोनों में सेम माल लगा हुआ है, बस जनरेटर छोटा बड़ा समझ लो, वोल्टेज का थोड़ा सा फर्क समझ लो, हाँ भैया बाकी सब कुछ सेम है। बाकी जैसे मान लो अगर कोई ज्यादा सामान लगवाना चाहे, अभी बुकिंग एक सोमवार की हो गई है दोनों गाड़ी की, आगे की खाली है, और बुकिंग के लिए कॉन्टेक्ट नंबर तो आप लोगों को बता ही दिया है, और तो अगर कोई सामान लगवाना चाहता है तो कितनी बेस तक आप लोग अफोर्ड कर सकते हो? 24-25-26 तक हम अफोर्ड कर जाएंगे, 24 बेस तक 20 बेस तक 24 बेस तक 20 बेस तक भी मतलब कर सकते हैं। टाटा में तो मिनिमम 18-16-20 इतनी बेस, हम मैक्सिमम 16-18-20 तक ही पहुँचते, लेकिन अगर 24 बेस तक हमारे पास 24 बेस तक का अपना खुद का सामान है, हमें किसी से ना जनरेटर की ना किसी से गाड़ी की ना किसी से कोई सामान लेने की जरूरत नहीं है। अभी हम सावन में गए थे, हमारी दोनों गाड़ी गई थी, एक अमरोहे से संभल गई थी और जो कामर्थी थे वो हरिद्वार से आ रहे थे, तो उसकी वीडियो डली हुई है हमारी यूट्यूब पर, चेक कर लेना और देख लेना। तो एक गाड़ी हमारी उधर गई थी अमरोहे से संभल, एक रामपुर से गई थी ब्रजघाट, तो दोनों पर सामान बाहर लगा हुआ था, एक्स्ट्रा में सामान था, हमने किसी से कोई सामान नहीं मांगा, हमारे ए टू जेड सारा सामान हमारे पास ही रहता है, हम किसी से कोई सामान नहीं मांग कर लगाते। हाँ इमरजेंसी में कोई अगर चलते हुए कोई दिक्कत आ जाए तो हम अपना सामान बंद कर देंगे, जो चीज दिक्कत में आ जाएगी, बाकी हम किसी से कोई सामान नहीं मांगते। अगर जरूरत पड़ती है तो गजतथल पहुंचते हैं, सीधा वहां से उठा के ले आते हैं, पहली बात तो जरूरत पड़ती नहीं है ऐसा, लेकिन हाँ इन केस कभी जरूरत पड़ जाए, भगवान ना करे, देखो ये बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए, मशीन गिरी है, इमरजेंसी वगैरह, मेरा एक मानना है मशीन गिरी है। कभी भी जैसे एक वीडियो देखी थी मैंने, मैं वीडियो देखता रहता हूँ यूट्यूब पे, जो डीजे वाले भैया हैं सारे जितने भी यूट्यूबर हैं, तो वो वीडियो डालते रहते हैं, बहुत हैं ऐसे जो कमेंट में डालते हैं कि ओपन चैलेंज है ये है ये, इन्होंने अभी कुएं से निकल के नहीं देखा, अभी ये कुएं के अंदर है, वो बरसाती मेंढक जो होता है ना वो कुएं के अंदर रहता है, अब वो कहता कि बस यूं ही है सारी दुनिया जो है इतनी बड़ी है, बाहर निकल के देखो। तो कभी भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि ओपन चैलेंज है ये है, हम ये कहते हैं सबके डीजे बढ़िया बजते हैं, मैंने कभी किसी के डीजे की आज तक बुराई नहीं करी, मैंने अगर छोटे हाथी में भी कोई डीजे बजता हुआ देखा तो मैं उसे भी कहता हूँ ये भी बहुत बढ़िया बज रहा है, क्यों? क्योंकि भैया उसने भी अपने हिसाब से अपना जो भी पैसा लगा रखा बढ़िया लगा रखा, तो कभी किसी की बुराई मत करो, जो चीज अच्छी बज रही है उसे तो बताया जाएगा, वो तो तुम चाहे अपने मन में रखो बताओ, और हमारे कहने से नहीं, हमारे कहने से नहीं, जनता भी बताती है कि हाँ ये ऐसा होना चाहिए, क्योंकि सभी के पेट दिया भगवान ने, सबको 2 रोटी मिलनी चाहिए, सबका बढ़िया बजना चाहिए। बस ये है कि कामर में लगाते हैं लोग, बाग बड़े बड़े सेटअप लगाते हैं, उसमें भी सबके बढ़िया बजते हैं, किसी का 19 रहता है किसी का 20 रहता है, बाकी फैसला लो जो जनता वगैरह होती है वो कर देती है। हम कहने लगे जी हमने अपने आप ही कि हम जीत गए हैं, बहुत से डीजे वाले हैं, उन्होंने वीडियो बना लिया, खुद अपने आप कमेंटमेंट कर रहे हैं और अपना आप ही वीडियो बना के डाल रहे हैं कि मैंने उसे हरा दिया जी, मैंने उसे हरा दिया। तो मैंने कहा कि फूलों की माला तुम्हारे गले में गिर जाएगी, और इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ भैया, खुद ही कंपटीशन कर रहे हैं, खुद ही कह रहे हैं हम जीत गए हार गए, फैसला जनता का होता है ना हमारा ना आपका, हमें तुम्हें तो सब बढ़िया लगेगा, क्योंकि भैया पैसा लगा रखा है तो अच्छा तो लगेगा। अपना डीजे हर कोई भाई कोई बेकार नहीं बता सकता, बिल्कुल, लेकिन जो फैसला रहता है वो पब्लिक ही करती है, जो सामने हम कहने लगे, हम कहने लगे हम कामर में लेके गए, हम तो भाई बहुत बढ़िया बजा के, ऐसा नहीं है, हमें बढ़िया लगा ठीक है, एक लेवल है एक वो अलग होगी बात, लेकिन जनता को भी तो लगना चाहिए, उसको भी तो पता होना चाहिए कि ये बढ़िया है घटिया है। लेकिन हाँ हमारा ये कहना है हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं अच्छे से अच्छा करने की, बाकी डिपेंड करता है पब्लिक के ऊपर, वो हमें कहाँ कमी बताएगी उसको हम पूरा करेंगे। अगर मान के चलो हमें लगता जनता कहती है कि यार इसमें थोड़ी आवाज में कुछ कमी है तो उसको हम पूरा करेंगे, जनता कहती है इसकी ट्रेबल में कुछ कमी है उसको पूरा करेंगे, बेस में कमी है उसको पूरा करेंगे। बाकी देखो जैसे अभी नए नए डीजे वाले आते हैं या ऑपरेटर वगैरह, तो माइकिंग का आप लोगों मतलब 2023 में देखा पब्लिक ने बहुत अच्छी मतलब एक माइकिंग करी थी आपने, तो वो मतलब कहाँ से सीखते हो या आप नेचुरली वो है? ये चीज सीखने की नहीं होती है, ये चीज आपने बोला माइकिंग सीखने की, ये माइकिंग सीखने की नहीं होती है, सबसे बड़ी बात होती है जनता के दिल में जगह बनाना। और हमारा ये मानना है, आप लोग वीडियो देखते हो सब सबे पता है कि वीडियो क्या होती है, बोलने वाला क्या होता है, अब भी हम बात कर रहे हैं आप लोगों से, सबसे मेन चीज होती है जनता का दिल जीतना,
अब मैं माइक पे क्या बोलता हूँ, मैं यही बोलता हूँ कि जो अच्छा हो, अगर हम हार भी रहे हैं तो हमें हार भी मंजूर है। यार एक बार बताओ, तुम 10 आदमियों से कुश्ती लड़ोगे, अगर एक से हार भी जाओगे तो क्या बात हो गई यार। जब तुम हारोगे जब ही तो जीतने की तमन्ना करोगे, एक्सेप्ट करो, कोई वो बात नहीं है भाई। भाई जब तुम हारोगे जब ही तो तुम जीतोगे, जब तुम हारोगे ही नहीं तो तुम्हें तो अहंकार हो जाएगा, अहंकार हो जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे जैसे मान लो काफी डीजे वाले रहते हैं कि माइकिंग पे भी गाली गुप्तारी चलती है, वो चीज उन्होंने एक बहुत गंदी कर बना, कोई बात नहीं, वो गलत है। हाँ एक बात, एक बात, जितने भी डीजे वाले लोग इस वीडियो से, इस चैनल से जुड़े हुए हैं, उनसे भी सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को आगे बढ़ाओ और सब्सक्राइब करो और लाइक करो। और एक छोटी सी बात सभी डीजे वालों से कहना चाहूंगा, जैसे कामर का समय आता है तो कुछ लोग वह डायलॉग बनाते हैं, गंदे डायलॉग बनाते हैं, बस सभी से, मैं तो अपने डीजे वालों से भी बोल रहा हूँ और औरों से भी बोल रहा हूँ, भैया गलत मत समझना कि कोई भी सावन में गलत डायलॉग ना चलाए, क्योंकि प्रशासन हम लोगों के लिए परेशान रहता है। अब भाई हम गलत डायलॉग चला, मैं तो जगह बहुत बहन बेटी, बहुत लेडीज लोग जाते हैं। तो अब ये डीजे की कम्युनिटी अभी तो फिलहाल काफी बड़ी हो गई है, पहले नहीं था, इतना क्रेज नहीं था डीजे का, लेकिन जब से कॉम्पिटिशन वाली हुई है बहुत बड़ी कम्युनिटी हो गई डीजे की। तो अगर उसी कम्युनिटी को आप लोग खराब करोगे तो भाई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो डीजे वाली बहुत बड़ी, बहुत बड़ी बात है। सोचो अगर डीजे नहीं बजते फिर क्या करते आप लोग, सोचने वाली बात, अगर डीजे नहीं बजते तो आप लोग क्या करते। सही बात, फिर अगर गवर्नमेंट ने हमें मौका दिया है, योगी जी ने हमें मौका दिया है कि आप बजाओ डीजे बजाओ, और उस पर फिर हम गलत गाने बजा रहे हैं, तो वो चीज गलत है। देखो आप लोगों ने देखा होगा, मैंने अभी तक फिलहाल, मुझे 2 साल हो गए इस चैनल पे वीडियो डालते हुए, मैंने आज तक कोई ना तो किसी वीडियो में गाली दी, और ना आज तक हमारे कोई चैनल पे जैसे डीजे पे भी किसी भैया ने माइकिंग करी या कोई भी माइकिंग करता है भाई, गाली गुप्तारी वो नहीं होती। और इंस्टाग्राम पर भी मैंने देखा काफी, मतलब जो रील बनाते हैं डीजे वाले भाई, गाली के डायलॉग लगा रहे हैं उस पर, गाने लगा रहे हैं उल्टे सीधे भाई, क्योंकि देखो अपनी जो ऑडियंस है ना, एक तो 50% ऑडियंस है जो हमारी एज की, आपकी एज की है, बिल्कुल, और बाकी जो 50% ऑडियंस रहती है वो बच्चे रहते हैं भाई, 10 से 15 साल के बच्चे, क्योंकि उनके अंदर एक इंटरेस्ट रहता है कि हाँ भाई ये डीजे पसंद करते हैं, तो भाई वो घर पर भी रहते हैं, क्योंकि वो चीज तो है नहीं, तुम गाली लगा रहे हो तो 18+ में चली जाएगी वो वीडियो, फिर आप लोग बोलते हो कि वो चीज गलत है। सभी डीजे वालों से, कोई भी हो, बहुत बड़े बड़े डीजे वाले हैं और बढ़िया डीजे बजाते हैं, ऐसा नहीं है उनके बढ़िया डीजे नहीं बजते, हम ये नहीं कह रहे उनके बढ़िया डीजे नहीं बजते, बहुत अच्छे डीजे बजते हैं, लेकिन हम सभी से रिक्वेस्ट ये करेंगे, अगर हमारी बात आपको अच्छी लगे तो, ना लगे तो भैया कोई बात नहीं, हम किसी को गाली तो दे ही नहीं रहे, ठीक है, सब हमारे भाई हैं, कोई छोटा है कोई बड़ा है, तो हमारी सभी से रिक्वेस्ट ये है कि कोई भी अपने डीजे पे गलत जो गाली वाले डायलॉग होते हैं वो ना चलाएं। हम खुद भी अपने आप को भी गिन रहे हैं इसमें, हम आपके लिए नहीं बोल रहे स्पेशल कि ये आपके लिए, हमारे लिए नहीं है, हम अपने आप को भी इसमें गिन के चल रहे हैं, अपने बंदों से भी यही बोल के चल रहे हैं जो ऑपरेटिंग करेंगे या ऑपरेटिंग करते हैं, कि कोई भी गलत जो है डायलॉग ना चलाए। क्योंकि बाकी यही सब था आज की वीडियो में, और भाई थोड़ा साउंड टेस्टिंग नहीं करा सकते गाँव में, आप लोग समझ सकते हो थोड़ी दिक्कत है कुछ, और कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला हुआ है, जो भाई आप लोग मतलब आगे कुछ वीडियो बनवाना चाहते हो या जो भी आप लोगों के लिए क्वेश्चन हो जो रह गया हो हमसे, तो आप लोग कमेंट करना उसका। भैया एक और बात कहना चाह रहा था, जितने भी लोग बाकी वीडियो देखेंगे या देख रहे हैं या और चैनल से जुड़े हुए हैं, कि कोई भी अगर बात में हमारी में कुछ ऐसा लगा हो तो भैया उसके लिए माफी मांगते हैं, बाकी हमने अपनी तरफ से कोशिश करी किसी को गलत ना बोलने की, लेकिन फिर भी जल्दबाजी में कोई शब्द ऐसा निकला हो कि किसी डीजे वाले को बुरा लगा हो तो उसके लिए हम माफी मांगते हैं, बाकी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं अच्छे से अच्छा करने की और कोशिश करते रहेंगे। ये हमारे मोनू भाई, ये हमारे गौरव भाई, और ये हमारे ऑपरेटर हैं मिस्टर गौरव, और ये सबका मैं आपके सामने एक बार पूरी अपनी टीम से मिला देंगे, काफी मतलब थोड़े कुछ मेंबर हैं जो यहाँ पर अभी फिलहाल उपस्थित नहीं है, लेकिन जो है यहाँ पर उनसे सबसे मिला देंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही था, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बुकिंग वगैरह करना चाहते हो तो भाई कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाकर कॉन्टैक्ट कर लेना। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।